पहले सीरिया पर भी हमला किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीरिया के दक्षिण पूर्व में अटैक किया गया है। दमिश्क और होम्स में लगातार हमला किया गया है। एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी निशाना साधा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मधुरेंद्र। क्या ये बात भी सामने आ रही है कि सीरिया पर भी हमला किया गया है, दक्षिण पूर्व में अटैक किया गया है? देखिए बिल्कुल, सीरिया भी निशाने पर है और सीरिया के भी दो इलाकों में धमाके की खबर आ रही है। ये टारगेट सेट किया है इजराइल की सेना ने, क्योंकि सीरिया की अगर बात करें तो वहां पर भी फोर्सेस का प्रेजेंस है, वहां से भी लगातार हमले इजराइल को करा रहे हैं और ऐसे में सीरिया को भी टारगेट किया गया है। अगर आप ईरान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इनको कराज का भी इलाका दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसराइली फाइटर्स ने फाइटर जेट ने बम बरसाए हैं और वहां पर भी मिलिट्री जो ठिकाने हैं ईरान के उसको टारगेट किया गया है। तो तेहरान और कराज ये दोनों इसराइल के हमले की जद में रहे हैं, तस्वीरें आ रही है और बताने के लिए काफी। अच्छा मधुरेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, हम आप बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं, हम आगे भी आपसे बात करें, लेकिन इस बीच जो एक तस्वीर सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देखिए कितनी स्पीड में है तमाम चीजें, इतनी तेजी में है कि वो कैमरे भी कैद नहीं कर पा रहे, बस एक मूवमेंट है। देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अच्छा मधुरेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा हमला सामने आया है, जिस तरह से इसराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे हमले को अंजाम दिया, और सबसे बड़ी बात मधुरेंद्र, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इन्वॉल्व इन द सेंस कि अमेरिका को, जो बाइडेन को ये तमाम चीज़ें पता हैं। ठीक है बिल्कुल, इसको लेकर नेतन्याहू और बाइडेन की बातचीत की हुई थी और इसराइल ने लंबे समय तक अपने प्लान को डिस्क्लोज नहीं किया था, हालांकि कुछ प्लान लीक होकर भी सामने आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर ये और ज्यादा लीक हो उससे पहले इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले की जद में उसने मिलिट्री सोर्सेज को लिया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो भी एक्शन ईरान की दिखाई दे रही है और जाहिर तौर पर 100% अपने हमले को अंजाम इसराइल ने दिया हो ये संभव नहीं दिखाई दे रहा, लिहाजा कुछ इंटरसेप्टर मिसाइल्स ने इसराइल के जो अटैक्स हैं उसको डिफीट किया है और उसकी विजुअल्स जो है वो तेहरान जारी कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका बाल बांका इस हमले में नहीं हुआ है ताकि वो अपनी फेस नहीं कर सके। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो एयर स्ट्रिप्स हैं, जो एयर एसेट्स हैं, उसको कितना ईरान में इसराइल फिट किया है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिसमें इसराइल अपने टारगेट्स को फिट करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे तेहरान के आउटस्कर्ट्स में देखिए या कराज। से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हमले के ठीक पहले जिस तरह से ईरान ने भी अपनी तैयारी की थी वो भी सबके सामने है कि रशिया की मदद से इसने 400 डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात किया, क्योंकि ईरान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जो उसका बचाव कर सके, लेकिन रूस ने उसकी मदद की, उसको 400 की बैटरी डिलीवर की और उसकी बैटरी की डिलीवरी के बाद हमने देखा कि उसके पास भी एक डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ। इस बीच हमने देखा कि किस तरह से इसराइल ने भी अपनी तैयारी को अंजाम दिया, क्योंकि उसके रिटेलिएशन से अगर जो अर्ली प्लान था उसके मुताबिक जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स थे और साथ ही जो वाइल्ड कंट्री थी उसको भी हिट करना था, तो ऐसे में इसराइल को भी अपनी तैयारी करनी पड़ी और उसने अमेरिका से हार्ड जैसा एयर डिफेंस सिस्टम दिया जो कि दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है और उसका इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर रेंज में काम करता है। तो ऐसी स्थिति भी है कि ईरान अगर रिटेलिएट करता है, ईरान अगर हमला ठीक है, आप रहिए मधुरेंद्र हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।